हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लैनेट। गाइस, गर्मी का मौसम है और जैसा कि आप जानते हैं, तीखी गर्मी पड़ रही है और ऐसे में गार्डन में फूलों को खिलाना भी एक बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन आज ऐसे 10 प्लांट्स मैं अपने गार्डन से आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें आप लगा करके अपने गार्डन और घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। क्योंकि जितने भी प्लांट्स मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, बेहद ही इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको उन पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेंगी। तो इसीलिए वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं गाइस, सबसे पहले बोगनवेलिया से। बोगनवेलिया पूरा साल खिलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसमें बहुत सारी कलर वैरायटी आती है, जो भी आप कलर चाहें इसमें लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो करता है, कोई बहुत ज़्यादा केयर इस प्लांट को नहीं चाहिए होती है। और इस कैटेगरी में दूसरा हमारा प्लांट है एक्सोरा। एक्सोरा भी वन ऑफ द ब्यूटिफुल फ्लावर्स की कैटेगरी में आता है। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स बंचेस में खिलते हैं और एक तरह का शर्ब प्लांट है गाइज ये, और इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये मेरा भी देखिए, इसमें कलियां आना शुरू हो गई हैं इस प्लांट में, और इसमें रेड कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स जो मेरे ऑलरेडी खिले हुए हैं। बेहद ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, बहुत कम केयर में आसानी से ग्रो करता है। और तीसरा हमारा प्लांट है गुड़हल का, जिसमें कि बहुत सारे कलर ऑप्शंस होते हैं और सबका फेवरेट ये प्लांट होता है, तो ये भी बहुत आसानी से ग्रो करता है। इसके साथ हमारा चौथा प्लांट है चंपा का। चंपा भी गाइस, आपने बड़े बड़े पेड़ इसके देखे होंगे, लेकिन घर में भी ये बहुत आसानी से पोट में ग्रो कर जाता है। मैंने भी इसको ड्रम में लगाया हुआ है और इसमें भी बहुत सारे देखिए कलर ऑप्शंस आते हैं, कोई भी कलर आप लगा सकते हैं, और इसमें कभी भी फ्लावरिंग कम नहीं होती है। ये एक मेरा प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से लगाया था 2 साल पहले, और अभी देखिए इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो चंपा को आप अपने गार्डन में, घर में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और फिफ्थ प्लांट है गाइस हमारा बेहद ही खुशबूदार सोन चंपा। इसमें ये गोल्डन येलो कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, जिसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, और ये देखिए हर एक टहनी पर इसमें कलियां आई हुई हैं, जिसमें कि अभी पूरा समर इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो गाइस, कैसी लग रही है आपको ये जानकारी? आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और इसके साथ सिक्स्थ प्लांट है हमारा बेहद ही खूबसूरत पेंटास, जो बहुत ही आसानी से छोटे पोट में भी आप लगा सकते हैं, और इसमें भी पूरे साल बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है गाइस। और सेवेंथ प्लांट है गाइस हम सबका फेवरेट रोज़, जिसमें कलर ऑप्शंस की बेशुमार वैरायटी होती है। और अभी हालांकि तीखी गर्मी की वजह से मेरी पत्तियां झुलस रही हैं, पर बावजूद इसके इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो रोज़ेस को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, हमेशा मन और गार्डन दोनों ही खिले रहेंगे। और एट्थ प्लांट है हमारा कनेर का। इसमें भी बंचेस में बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत सारी कलर वैरायटी इसमें भी होती है। इसको मैंने लास्ट ईयर ही कटिंग से तैयार किया था बरसात के समय में, और आप देख सकते हैं इस बार इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो कनेर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है घर में लगाने के लिए, और पोट में ये बड़ी आसानी से ग्रो कर जाता है, तो ये भी आप आसानी से लगा सकते हैं। और हमारा नाइन्थ प्लांट है गाइस यूफोर्बिया। कैक्टसेस फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है, और इसकी ये अंडाकार पत्तियां भी फ्लावर की शेप की ही होती हैं, और इसमें ब्राइट रेड कलर के
फूल खिलते हैं, छोटे और थोड़े बड़े साइज़ के भी दो वैराइटीज़ में होती हैं। इसमें भी कलर ऑप्शन होते हैं, हल्का लेमन कलर इसमें आता है, जिसमें भी दो छोटी और बड़ी दोनों फ्लावर साइज़ वैराइटी होती है। और हमारा 10th प्लांट है गाइस, बेहद ही खुशबूदार सिंगल और डबल पेटल वाला ये मोगरा। तो देखा गाइस आपने, न केवल सीजनल प्लांट बल्कि परमानेंट प्लांट भी ऐसे हैं जो सालों साल हमारे घर आंगन में लगे रहते हैं, और भरी गर्मी इनसे हम बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं पोट में लगा करके ही, और अपने घर को हरा भरा और ऐसे ही कलरफुल बनाए रखें जिससे कि गर्मी में भी एक ठंडक का एहसास बना रहे। तो आप अपने घर में इन प्लांट्स को ज़रूर लगाएं, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मेरे इस वीडियो के साथ में आप मुझे ज़रूर ही शेयर करें।